मेरा नाम शुमाइला शेख है और मैं 6 मई 2020 से अपनी वालदा के साथ गाड़ी में रह रही हूँ। ये यहाँ पे बैठती हूँ और यहीं पे मतलब सिर्फ बैठे रहना होता है और 1.5 साल से यही है नमाज प्रोसेस और ये मेरी टोटल जायदाद सिस्टम। सामान नहीं है वो सीट को ना नीचे करने के लिए, तो बैक सीट है, बैक सीट को ऊपर किया हुआ है। वहाँ वो लिहाफ सर्दियाँ हैं तो अम्मी के लिए बहुत जरूरी है और पीछे कपड़े हैं, हाँ इस्तेमाल करते हैं। और ये जानमाज है और नमाज कुरान पाक है जिसमें मैं मतलब मैं हाफिज़ कुरान पाक और जानमाज, ये अम्मी की मेडिसिन है। असल में पानी पीने के लिए मंगवाना पड़ता है यहाँ पर ना, तो 10 रुपए की मोटर बॉटल फिल्टर, तो पानी पीने के लिए मंगवाना पड़ता है तो वो पानी पीने के लिए मंगवाया हुआ है और बस से वजू वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं। सर्दी में बारिश में अभी जब बारिश हुई थी और सर्दी बहुत ज़्यादा हुई थी तो हम लोग पूरे गीले हो गए थे, इवन के रजाइयाँ और अंदर से पूरा गीला हो गया, पानी आ रहा था हर जगह से और बस हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि सर्दियाँ गुजरे, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे मुझे बुखार हो गया था और हर तरफ से पानी आ रहा था और हवा चल रही थी, बिस्तर गीले हो चुके थे और हमारे पास कुछ ऐसा था भी नहीं कि हम उससे गर्म कर सके खुद को। डर लगता है पूरी रात मैं जाती रहती हूँ कि किसी को पता ना लग जाए गाड़ी में, औरतें पर्दे लगाकर चुपके इस हालत में रह रही हूँ और यही होता है कि बस अम्मी हमें होप नहीं छोड़ रहे कि हमें अपना घर चाहिए, क्योंकि मुझे कोई औरत को घर नहीं देता।